जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। लोग न्यू ईयर ईव बनाते हैं, न्यू ईयर ईव मतलब न्यू ईयर के दिन के एक दिन पहले का रात। क्रिसमस ईव बनाते हैं मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले की रात। हम लोग क्या बना रहे हैं? राम मंदिर ईव बना रहे हैं। हरि बोल, भगवान श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। इस पावन अवसर पर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर स्मरण करेंगे। तो इस समय पर आप में से सभी लोगों की इच्छा है अयोध्या जाने की। कौन कौन अयोध्या जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। जो तुरंत जाना चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा कीजिए। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान के रूप गुण लीला सब नाम के अंदर है। तो जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप तुरंत अयोध्या पहुंच गए, और इसके माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र हमारे भाव को ग्रहण करेंगे। हमको कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप तो इस्कॉन वाले हैं, आप लोग भगवान राम की पूजा वूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? इस्कॉन वाले तो केवल कृष्ण कृष्ण की पूजा करते हैं। ये प्रश्न श्रील प्रभुपाद को भी एक बार किया गया। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारा महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 50% रिजर्वेशन तो भगवान राम का है। तो हम तो दिन रात भगवान राम का नाम लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अपने समय पर तीन बड़े मंदिर बनाए, हैदराबाद में, जुहू में और दिल्ली में। उस समय तीनों जगह पर राम दरबार का स्थापना की। और हमारे आंदोलन के प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु जब वन में गए थे दक्षिण भारत में, भगवान का नामों का कीर्तन करते हुए जाते थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव पुरुषोत्तम कहना है। इसलिए उनका जीवन चरित्र वास्तव में सारे मानव जाति के लिए एक आदर्श है, एक मैनुअल है, कैसे व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, ये आदर्श। लेकिन हमारे कृष्ण इतने महान है कि जिस वृंदावन की भूमि पर हम रहते हैं उसकी मिट्टी को उठा करके वो खाते हैं। ऐसा कोई भगवान है कि जो अपने भक्तों के चरणों की धूल को उठा करके खाता हो? तो राम भक्त टेंशन में पड़ गए, रही तो अच्छी बात बोली, अब इनको कैसे हराया जाए? तो राम भक्त बोलते हैं कि ठीक है, आपके भक्त ने, आपके भगवान ने खूब भक्तों की चरणों की धूली खाई, लेकिन जब भक्त ज्यादा आसक्त हो गए तो छोड़ के मथुरा चले गए, वन वे टिकट कर भी वहां देखना चाहते हैं वो कृष्ण बन जाते हैं। और जब ऐश्वर्य में देखना चाहते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए वास्तव में भगवान भाव को ग्रहण करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। जिस भाव से हम भगवान, आप बोले हम ये क्या है, इतना ही नहीं, दोपहर में स्त्री के बारे में चर्चा करना चाहिए, स्त्री प्रसंग ना, और रात्रि चोर प्रसंग ना, रात में चोर के बारे में बात करना चाहिए। बोलेंगे ये सत्संग में आ गए कि हम कहां आ गए? द्यूत प्रसंग ना, मतलब द्यूत कीड़ा कहां पर वर्णित है महाभारत कि अगर सीता माता ना होती पात्र में तो रामायण की कहानी क्या होती? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इतनी कहानी होती बस। लेकिन सीता माता के किरदार से ही रामायण की नींव है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, सीता माता विवाह करके भगवान राम के साथ अयोध्या आ गई, और अयोध्या में राजा दशरथ अपना राज्य भार सब भगवान राम को देना चाहते हैं। प्रजा भी चाहती है कि भगवान राजा बने, सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन फिर दो स्त्रियों को समस्या हो जाती है।
मंत्र और कैके, वो विचार करती है चाहे हमको अपयश मिले, चाहे हमको कुकीर्ति मिले, अपकीर्ति मिले, लेकिन हम भगवान को सर्वत्र व्याख्यात करेंगे। तो उन्होंने प्लान बनाया और भगवान राम वन में आ गए। अब वन में भी आते 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 एक स्त्री और मिली। कौन स्त्री मिली? शूर्पणखा। उसने कहानी में और ट्विस्ट डाला, क्योंकि शूर्पणखा ना आती तो रावण से शत्रुता कैसे होती? रावण से शत्रुता तब हुई जब शूर्पणखा की नाक कान कटे, तब कहानी और आगे बढ़ी और भगवान पंचवटी में ही रह जाते। लेकिन शूर्पणखा की नाक कान कटने से भगवान आगे गए। और आगे देखते हैं, जब वानर सब खोज कर रहे थे माता सीता की, चलते 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 स्त्री प्रसंग है रामायण, ये चर्चा करनी चाहिए। और रात्रि चोर प्रसंग है ना, और सोने के पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। सोने के पहले अपने पर चिंतन करिए कि आप एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा श्यामल वर्ण का है, उसके घुंघराले बाल हैं, एक हाथ में उसने बांसुरी पकड़ी हुई है, एक हाथ आपका पकड़ा हुआ है, और वो पकड़ के आपको वृंदावन की सैर करा रहा है। रात्रि चोर प्रसंग है ना, ये ऐसा चोर है जिसका स्मरण करते करते हम मधुरमा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चिंतन में हमारा पूरा दिन निकलना चाहिए। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? सुबह दोपहर रात भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत नाम में हमारा मन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये रामायण है जहां भगवान राम निवास करते हैं। भगवान अपनी कथा में ही निवास करते हैं। भगवान नारद मुनि को क्या बोलते हैं? जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं जहां मेरे भक्त साथ में मिलकर के मेरी कथा, मेरे नाम को स्मरण करते हैं, वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूं। तो जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, केवल भगवान राम नहीं, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान पूरी अयोध्या के साथ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो आइए हमारे चिंतन से हम अयोध्या जाते हैं, और उस समय पर जाते हैं जब भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही। संध्या का समय है, अगले दिन भगवान राम राजा बनने वाले, रघुराई राजा राम बनने वाले। अब वो तैयारियों में सब निमग्न है, सब खुश हैं, लेकिन मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी को कुबुद्धि देती है। उस कुबुद्धि को लेकर के कैकेयी दशरथ को दो वर मांगते हैं। दशरथ उन वरों को सुन करके मूर्छित होकर के गिर जाते। अब सुमंत्र को लगता है शायद सो रहे हैं। सुमंत्र खूब कीर्ति महिमा के दशरथ की गाने लगते हैं, उनको उठाने का प्रयास करते हैं। दशरथ को जैसे ही चेतना आती है, वो रो करके सुमंत्र को बोलते हैं कि तुम एक एक वचन जो मेरी कीर्ति महिमा में बोल रहे हो उससे मुझे और दुख हो रहा है, और दर्द हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? कैकेयी की तरफ देखते हैं। कैकेयी बोलती है, सुमंत्र राम को ले आओ, राम को यहां पर लाना है, हाँ यहीं पर ले आओ। सुमंत्र जाते हैं और सुमंत्र जा करके भगवान राम के महल की ओर प्रवेश करते हैं। भगवान राम स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने धोती पहनी हुई है, चंदन उनके मस्तक पर सुशोभित है, माता सीता उनको चावल डुला रही है, बहुत संगीतकार भगवान राम के गुणगान गा रहे हैं। इतने में सुमंत्र प्रवेश करते हैं। भगवान राम सुमंत्र को प्रणाम करते हैं। सुमंत्र बोलते हैं, आपके लिए आज एक बहुत विशेष दिन है, आपको पिताजी ने बुलाया है। जैसे ही भगवान राम ने सुना कि दशरथ ने बुलाया, उनके घुटनों तक पहुंचती हैं, जिनके नेत्र मकर कृत सुंदर हैं, ऐसे भगवान राम अयोध्या के बीच में जा रहे हैं। और सभी अयोध्यावासी यही तो क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम राजभवन में जाएंगे और उनका राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा। जब भगवान राम राजमहल में आए, कोप भवन में ले जाए गए, दशरथ की स्थिति देखी तो भगवान राम चिंताग्रस्त हुआ। माँ माँ, पिताजी को क्या हुआ है? कैकेयी बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ना अपनी लाज
स्थिति को रखने के लिए बड़े चिंतित हैं। वो अपना मान सम्मान कम नहीं होने देना चाहते। बोले क्यों, पिताजी के मान सम्मान में क्यों हानि है? बोले कि तुम्हारे पिताजी ये डर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ वचन दिया है और वो वचन को पालन नहीं कर पाएंगे, इस कारण से वो दुखी है। भगवान राम बोलते हैं ऐसा कौन सा वचन है जो मेरे पिताजी पूरा नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं करना चाहते तो मैं उनके लिए वचनों को पूरा करूंगा। भगवान राम को देख करके दशरथ बोलते हैं राम इस स्त्री को बंदी बना लो, मुझे बंदी बना लो और तुम राज्य ले लो। भगवान राम बोलते हैं ऐसे क्या वचन है जिसके लिए मुझे इतना क्रूर कर्म करना पड़ेगा। माता कैकेयी बोलती है कि राम तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है और भरत को तुम्हारी जगह राजा बनाए। दशरथ मूर्छित होकर फिर गिर जाते हैं। भगवान राम क्या उत्तर देते हैं, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बकेड़ा क्यों किया है, ये तो मैं वैसे ही कर देता है। आप तुरंत भरत को बुलवा लीजिए और मैं आज ही वन को गमन करूंगा। ये बोल करके भगवान राम उस भवन से चले जाते हैं। सर्वप्रथम कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या विष्णु व्रत धारण की हुई थी और सतत भगवान विष्णु का नाम ले रही थी, जिससे कि भगवान राम के राज्याभिषेक अविघ्न रूप से पूरा हो जाए। आप सब भी चाहते हैं ना कल अच्छे से भगवान राम का अभिषेक हो। उस संकल्प के साथ माता कौशल्या की स्थिति को आप कल्पना कीजिए। उनका स्वयं का बेटा है, उस विचार से माता कौशल्या भाव में भगवान राम की राज्याभिषेक की कल्पना करके विष्णु व्रत कर रही है। उसी समय पर भगवान राम आते और बड़े खुशी खुशी बोलते हैं माँ 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 आपको एक खुशखबरी सुनाना है। कौशल्या बोलती क्या खुशखबरी, खुशखबरी तो मुझे पता है। बोले नहीं आपको नहीं पता है, और भी बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि माँ आपको तो पता था कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य दे रहे हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा अयोध्या से भी बड़ा राज्य दे दिया है। क्या राज्य दे दिया है? बोले अयोध्या एक नगर है लेकिन मुझे पूरे वन का राज्य दे दिया है। ये सुनकर के माता कौशल्या रोने लगी, लेकिन भगवान राम जो वचन उस समय बोले थे त्रेता युग में आज भी सार्थक हुआ है। जब जब भगवान को वनवास देने का प्रयास किया गया, भगवान की कीर्ति महिमा और ज्यादा बढ़ गई। एक विदेशी आक्रांता ने एक मंदिर तोड़ा, लेकिन उस मंदिर के आज बनने पर घर घर में और हर व्यक्ति के हृदय में भगवान राम का मंदिर बन गया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। भगवान राम को बड़ा राज्य मिला है। मान लीजिए अयोध्या में पहले से मंदिर होता तो आप लोग जाते नहीं जाते आपके ऊपर है, लेकिन आज एक एक व्यक्ति के मन में आशा है कि हम भगवान राम को वहां विराजमान होता देखना चाहते हैं, हम भगवान राम के मंदिर को सुशोभित होना देखना चाहते हैं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो भगवान राम उसी तरह कौशल्या को बोले कि अयोध्या का राज्य मेरे लिए बड़ा छोटा था, पिताजी ने मुझे और भी बड़ा राज्य दे दिया, अभी मुझे पूरे वन का राज्य मिल गया है। माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कौशल्या माता फूट फूट करके रोने लगी। माता कौशल्या बोलती हैं ठीक है पिताजी ने तुमको आज्ञा दिया है, लेकिन माता की आज्ञा पिताजी की आज्ञा से बड़ी होती है। माता का स्थान पिता के स्थान से बड़ा है। दशरथ ने तुमको थोड़ी कोख में रखा था, मैंने कोख में रखा था, तो माता का स्थान पिता से बड़ा होता है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूं कि तुम मन में मत जाओ। भगवान राम बोलते हैं अगर पिताजी बोलते तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन कैकेयी माता ने बोला है, वो भी तो माता है, तो मैं आपकी बात कैसे मानूं। कौशल्या बोलते तुमसे कोई नहीं जीत सकता, मुझे भी अपने साथ वन में लेकर के जाओ।
भगवान राम बोलते हैं कि फिर पिताजी का ध्यान कौन रखेगा, आप पीछे रह जाए। इतने में लक्ष्मण को पता पड़ता है कि भगवान राम बनने जा रहे, खूब क्रोधित तन फनाते हुए लाल मुंह के साथ लक्ष्मण कौशल्या के कक्ष के सामने खड़े। भगवान राम बाहर जाते हैं और भगवान राम के सामने लक्ष्मण तन तनाते हुए बोलते हैं, मैं दशरथ को बंदी बना लूंगा, कैकेयी को बंदी बना लूंगा, मंत्रा का वध कर दूंगा, सारी अवधपुरी को नष्ट कर दूंगा, सारे विश्व को नष्ट कर दूंगा। भगवान राम बोले, थोड़ा रुको रुको, क्या हो रहा है, सारे विश्व को नष्ट करोगे तो मैं भी तो नष्ट हो जाऊंगा, थोड़ा शांति रखो, आपके साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये अन्याय है। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि जब अपना ही अंग अपने को कष्ट दे तो शिकायत किससे करें। मान लो तुम्हारा हाथ दुखे तो क्या तुम हाथ तो मैं वन में जा रहा हूं और तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना। लक्ष्मण बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो नवजात बालक हूं। भगवान राम बोलते हैं, 16 रोटी खाते हो, नवजात शिशु कैसे हुए। बोले नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दूध पीता बच्चा हूं। दूध पीता बच्चे कहां से हो तुम, तो इतने हट्टे कट्टे मेरे सामने गबरू जमान खड़े हो। लक्ष्मण बोलते हैं, ये आपने ही बोला है, मैंने नहीं बोला है। आपको याद है जब सीता स्वयंवर में आपने धनुष तोड़ दिया था और परशुराम गर्जना करते हुए आए थे और परशुराम के साथ मेरा थोड़ा वाद विवाद हो गया था, तो आपने परशुराम जी को क्या समझाया था कि ये दूध पीता बच्चा है, इसको माफ कर दो। आपका वचन तो असत्य नहीं हो सकता है, तो जब मैं दूध पीता बच्चा हूं तो मैं परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा। माता जहां जहां जाती है दूध पीते बच्चे को साथ में लेके जाती है, तो आप मुझे अपने साथ लेके जाए। बोले तुम्हारी माता तो सुमित्रा है, उनसे पूछ करके आओ, वो अगर आज्ञा दे देंगी तो तुम मेरे साथ चलो। मैं किसी को नहीं जानता, मेरे सब कुछ आप हो, पिता मेरे आप हो, सब कुछ आप हो। जब जलाशय में पानी की कमी होती है तो सारे जानवर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन जो जल में रहते हैं वो जल को छोड़ के कहाँ जाए। मैं तो आपके ऊपर आश्रित हूं। भगवान राम ने बोला, फिर भी माता की आज्ञा लेने जाओ। लक्ष्मण माता की आज्ञा लेने जाते हैं, सुमित्रा के पास आकर के पूछते हैं, माता भैया राम वन में जा रहे हैं, मैं उनके साथ जा सकता हूं। माता सुमित्रा उनको डांटने लगती है, तुम पूछने क्यों आए हो, क्यों पूछने आए हो मुझसे। बोले उन्होंने बोला कि मेरी माता है, माता से पूछ करके आओ, माता आज्ञा देंगी तो वन में जाएंगे। तो सुमित्रा उनको बोली, आज से याद रखना तुम्हारे आधार कार्ड में क्या डालना है, आज से याद रखना, तुम्हारे पिता हैं राम और तुम्हारी माता है सीता, ये हमेशा याद रखना। तात तुम्हारे मात वेदे ही पिता राम सब भाति सुने, तुम्हारे माता पिता सीता राम है, तुम्हें मेरे से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, जाओ वापस जाओ। भगवान राम जहां जहां जाए छाया बनकर के उनके साथ जाना। लक्ष्मण वापस आ गए, अभी तो बड़े खुश हैं, भगवान राम को बोलते हैं आज्ञा मिल गई। भगवान राम भी उनके साथ थोड़ा मजाक करते हैं, बोलते अभी तो तुम बोल रहे थे तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे सब कुछ हो, जो जलाशय वाले प्राणी हैं वो जल को छोड़ के कहां जाएंगे, फिर मैंने बोला माता के पास जाओ तो माता से आज्ञा लेने क्यों गए। लक्ष्मण बोलता है, माता से आज्ञा लेने नहीं गया था, माता कौन है ये जानने गया था, अभी पता पड़ गया है कि माता सीता है और पिता आप स्वयं हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों तैयार हो गए। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि तीर ले लो, धनुष ले लो, तलवार ले लो, इत्यादि ले लो, तैयार हो जाओ। अब भगवान राम बोलते हैं, सीते मैं वन में जा रहा हूं, लक्ष्मण मेरे साथ जा रहे हैं। तो सीता कुछ ही बोलती है, अपना सामान बांधना शुरू कर। राम बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो। जहां आप चाहोगे वहां मैं जाऊंगी। बोले ऐसा नहीं है, वहां वन में बहुत कष्ट है। तो माता सीता अपने पैर से भूमि पर टिकने लगती है। भगवान राम उस संकेत को समझते हैं, माता सीता अपनी नुपुर दिखा रही है और माता सीता ये इंगित कर रही है कि जो पुष्प वाटिका में आपने मेरी नुपुर सुन करके मुझसे विवाह किया, मुझे मेरे प्रति आकर्षित हुए, क्या मैं आपको आकर्षित नहीं करती, क्या अभी मैं आपको प्रेम नहीं करती, क्या आपकी करुणा अभी मेरे ऊपर नहीं है। भगवान राम समझ गए, इनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, चलो तुम भी चलो।
लक्ष्मण राम और सीता तीनों तैयार। अब दशरथ के सामने तीनों आए हैं आज्ञा लेने। दशरथ हा राम कहकर के रो रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान राम रुकने के लिए तैयार। वहां कहकर ही बोलती हैं कि राम तुम्हारे पिता संकोच कर रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी यहां से चले जाओगे तो वो शांत हो जाएंगे। दशरथ और क्रोधित हो गए। इतने में कैकेयी वन में पहनने वाला वेश, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश लेकर के आए। जो राजकुमारी ने राजवेश के अलावा कुछ पहना ही नहीं, वो तापस वेश पहनना ही नहीं जानती, वो भगवान राम को देख रही है, इसको पहनना कैसे है, इसको कैसे पहनते हैं। भगवान राम उनको संकेत माध्यम से सिखाते हैं कैसे वन के वस्त्र पहनने। तीनों तापस वेश में तैयार हो जाते हैं, वन को गमन करते हैं। जो भगवान को साधु संतों से मिले, मैं कुछ कथा स्किप करके आगे जा रहा हूं। अरण्य में वाल्मीकि ऋषि से मिले, बहुत सुंदर वृत्तांत रामायण में रामचरितमानस में दिया गया है। वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण और सीता प्रवेश करते हैं और साष्टांग दंडवत भगवान राम वाल्मीकि के सामने करते हैं। वाल्मीकि भगवान को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद करते हैं और गदगद अश्रुपात करके भगवान का स्वागत करते हैं, कंदमूल इत्यादि भगवान को देते हैं। भगवान राम वाल्मीकि ऋषि का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप जैसे तपस्वी साधु पूरे ब्रह्मांड को अपनी हथेली में रखते हैं, आपकी आज्ञा से तो सारे सूर्य चंद्रमा इत्यादि संचालित रहते हैं, आपके आश्रय में आकर के हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। और वाल्मीकि को भगवान राम बोलते हैं कि एक काम बताइए, पिता माता की आज्ञा से मुझे अपने पुण्यों का फल आज मिला है। वाल्मीकि बोलते हैं पुण्यों का फल मिला है कि और कुछ फल मिला है, क्योंकि कोई व्यक्ति कष्ट में कब आता है, कोई व्यक्ति कष्ट में तब आता है जब बुरे कर्म हो, तो तुम्हारे पुण्य है कि कुछ और है। भगवान राम बोलते हैं आप ही बताइए, साधु संग व्यक्ति को कब मिलता है, साधु संग व्यक्ति को तब मिलता है जब उसके पुण्य फलित हो जाए, और मुझे अरण्य में आप जैसे साधु संतों का संग मिल रहा है तो मेरे तो पुण्यों की पराकाष्ठा आ गई, तो माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पुण्य फलित हुए हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मेरी एक इच्छा है, क्या इच्छा है, हमको रहने के लिए एक स्थान दे दीजिए। यही तो मुद्दा था ना इतने साल से कि रामलला का मंदिर नहीं है, रामलला का स्थान नहीं है, स्थान नहीं। यहां भी वही समस्या है रामायण में, भगवान राम के पास स्थान नहीं है रहने के। तो वाल्मीकि ऋषि के सामने भगवान राम बोल रहे हैं मुझे रहने के लिए एक स्थान दे दीजिए, आप बताइए कि मैं कहां निवास करूं। वाल्मीकि हंसने लगे, बोलने लगे जिसकी समग्र सृष्टि एक श्वास मात्र से निकलती हो, जिसकी इच्छा से सृष्टि प्रलय इत्यादि होती हो, जिसका अंश अवतार शेष 14 भुवन को अपने ऊपर धारण किया हो, ऐसे भगवान मुझसे स्थान मांग रहे हैं। आप मुझे एक ऐसा स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं। अगर आप ऐसा स्थान बताने में सक्षम हो जाएंगे जहां आप नहीं हैं, तो मैं भी आपको स्थान बता दूंगा कि आप कहां रह सकते हैं। तो भगवान राम मुस्कुराने लगे। भगवान राम सोचते हैं कि पोल पट्टी मत खोलो, अभी हम मर्यादा का काम कर रहे हैं, हमको स्थान बताओ। तो वाल्मीकि बहुत सुंदर बात भगवान को बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं भगवान हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, ये सारे स्थान में आप निवास कीजिए और नित्य रूप से निवास कीजिए, ऐसा नहीं केवल वनवास के समय, आप नित्य रूप से निवास कीजिए। कहाँ कहाँ निवास करें ध्यान से सुनिए। पहला, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी शुभ सरिनाना, जिनको श्रवण में इतनी आसक्ति हो, आपकी कथा सुनने में इतनी आसक्ति हो कि मानो समुद्र में असंख्य नदियां बह रही हो और समुद्र तृप्त ही नहीं होता, इसी तरह ऐसे कोई भक्त मिल जाए जिनको कथा मेघ के वर्षा से ही जल ग्रहण करता है। एक बार वर्षा नहीं हो रही थी और वो चातक पक्षी मरने वाला था, वो अपनी चोंच ऊपर करके मेघ को देख रहा है, तो कुछ लोगों ने उसको उठा करके गंगा के पानी में रख दिया कि कम से कम पानी पी लेगा तो जान बच जाएगी, तो पूरा शरीर गंगा जल में डूबा है लेकिन चोंच फिर भी उसने बाहर निकाल के रखी,
बोलता है गंगा का पानी भी नहीं पीऊंगा, केवल मेघ का पानी पीऊंगा, क्योंकि गंगा का पानी पी लूंगा तो मुक्ति हो जाएगी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं फिर से चातक पक्षी बन के आऊंगा लेकिन केवल मेघ का पानी पीऊंगा। ऐसी आसक्ति अगर भगवान से होगी तब भगवान राम हृदय में रहेंगे। भगवान राम ने बोला बहुत अच्छा, आगे बताओ। बोले जिनकी जिह्वा से हमेशा आपके गुण कीर्तन महिमा होती रहे, जो आपका हमेशा नाम संकीर्तन करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस तरह मान सरोवर के पास में हंस मोतियों को चुगते हैं, ऐसे ही आपके भक्त हंस रूपी आपकी कथा रूपी मोतियों को चुगते रहते हैं। तो ऐसे भक्त जिनकी जिह्वा पे हमेशा आपका नाम रहे, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। अच्छा आगे और बताओ। जिनकी नासिका हमेशा आपके चरणों पे अर्पित पुष्पों को सुगंध करती रहे, भगवान राम बोलते हैं और आगे बताओ, और कैटेगरी बताओ। वाल्मीकि बोलते हैं ये सब तो मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा था, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी बता रहा हूं जिनको छोड़ के आप कभी मत जाना। कौन? मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हें सहित परिवार। जो अकेला जप करेगा उनके हृदय में आप निवास कर सकते हो, लेकिन जो पूरे परिवार के साथ आपका नाम ले, उनका घर छोड़ करके आप कभी मत जाना। तो सारे परिवार के साथ बैठ करके ताली बजा करके रोज भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, आपका घर में ही रामलला निवास करने लगेगी। और आगे बताते हैं कि जिनके हृदय में दंभ कपट नहीं है उनके हृदय में आप रहिए, जो आपके भक्तों से प्रेम करे उनके हृदय में रहिए। और आखिरी में बोलते हैं सर्गु नरकु अपवर्गु समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाण। जिनको स्वर्ग नरक अपवर्ग अपितुल्यार्थ दर्शनम, वो एक जैसा देखे, आपकी सेवा के बिना उनके दिमाग में और कुछ आए ही ना, ऐसे भक्तों को छोड़ करके भगवान आप कभी मत जाना, उनके हृदय में आप निवास करें। श्रील प्रभुपाद ने मंदिर के लिए जमीन ली थी और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने उस जमीन पर कब्जा करना चाहा। उस जमीन पर श्री राधा कृष्ण श्री राधा रास बिहारी को प्रभुपाद स्थापना कर चुके थे, और स्थापना कैसे किया था, टीन सेट के नीचे, जैसे रामलला इतने दिन से टीन सेट में रह रहे थे, वैसे टीन सेट के नीचे राधा रास बिहारी को प्रभुपाद जी स्थापित कर चुके थे। लेकिन वहां के जो प्रतिष्ठित लोग थे उन्होंने आपस में गठबंदी कर करके प्रभुपाद के मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को भेजा उस मंदिर को तोड़ने के लिए। खूब सारे टक में लोग भाल संबल इत्यादि लेकर के वहां पर आ गए। मंदिर जो टीन सेट का था उसको तोड़ दिया, तंज कर दिया, जो खिड़की दरवाजे थे उनको तोड़ दिया। तो प्रभुपाद की एक शिष्या थी पार्वती माता जी, वो विग्रहों के सामने खड़ी हो गई, वो विग्रहों को भी तोड़ने। जब राधा रास बिहारी को मार तोड़ने ही वाले थे, इतने में नोटिस आया, बाल ठाकरे की मदद से एक नोटिस आया कि आप मंदिर को नहीं तोड़ सकते। एकदम सब कुछ टूट गया, केवल राधा कृष्ण वहां पर खड़े हैं, बस उतना बचा है। ये बात है लगभग 1975 की। आज 40 वर्षों बाद, 50 वर्षों बाद, 50 वर्षों बाद उन पार्वती माता जी को पूछा गया कि तब तो आप युवा थी, इतना बड़ा संघर्ष झेल गई, आपको घसीटा गया मारा गया, फिर भी आपने राधा रास बिहारी की रक्षा की, अगर ऐसी चुनौती दोबारा आ जाए, मंदिर में दोबारा से लोग घुस जाएं और भगवान के विग्रह को आघात पहुंचाना चाहें, तो आप क्या करेंगे। माता जी बोलती हैं आज भी मैं उसी तरह राधा रास बिहारी के सामने खड़ा हो जाऊंगी, हजार बार खड़ा होना होगा तो हजार बार खड़ा होगी, क्योंकि मेरा जीवन भगवान के लिए, वो आनंद में रखे कष्ट में रखे जिसके लिए रखे, मेरा जीवन भगवान के लिए। ये निष्ठा भक्ति जिनके हृदय में हो, भगवान को वाल्मीकि बोल रहे हैं आप उनके निवास करें। जो नर्क स्वर्ग का ना सोचे, पुण्य पाप का ना सोचे। दक्षिण भारत में एक और बहुत सुंदर कथा, तिरुपति बालाजी में जब बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय पे रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को वहां पर भेजा था, अनंताचार्य। वो अनंताचार्य अकेले उस पर्वत पर रहते अपनी पत्नी के साथ,
उद्यान बनाए, पुष्प लगाए और पुष्पों की माला गुथ करके रोज भगवान बालाजी को अर्पित करते थे। भगवान बालाजी उनसे बात किया करते थे। एक दिन अनंताचार्य को सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो पत्नी ने कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण बना करके उसको खिलाया, उस विष को निकालने का प्रयास किया, वो बच गए। लेकिन आज माला बनाने में लेट हो गए। माला बना करके जब बालाजी को अर्पित की, बालाजी बोलते हैं, अनंता आज क्या हुआ, आज इतना देर से क्यों आए हो? बोलता है, आज आपको तो पता है सांप ने काटा था इसलिए लेट हो गया। बालाजी बोलते हैं, अरे बाप रे सांप, बालाजी है ना, बाल मतलब छोटा है, बच्चे रूप में है। बोले, अरे बाप रे बाप, यहाँ सांप भी है क्या? सांप काटने से तो लोग मर जाते हैं। अनंताचार्य बोलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। बोले, क्यों तुमको डर नहीं लगता? बोले, नहीं, अगर सांप काटता और मैं जड़ी बूटी से बच जाता, जैसा कि बच गया हूं, तो मैं अभी आपको माला पहना रहा हूं, और अगर सांप काटने से मैं मर जाता तो वैकुंठ जाकर आपको माला पहनाता, तो मेरे लिए क्या लॉस है? नरक अपवर्ग स्वर्गेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। भगवान वाल्मीकि से इस तरह से निवेदन सुन रहे हैं। वाल्मीकि बोल रहे हैं, भगवान ऐसे अकिंचन भक्तों के हृदय में आप निवास करें। तो भगवान राम ने बोला, वाल्मीकि जी, आपने तो हमको इतना बड़ा स्थान दे दिया, अब हम हर उस भक्त के हृदय में रहेंगे जो निस्वार्थ भाव से मेरा नाम संकीर्तन करेगा, मुझे स्मरण करेगा, मेरी भक्ति करेगा। तो इस प्रकार से भगवान राम वनवास काटते हैं और सीता माता का हरण होता है, लंका जाते हैं। लंका जाने के बाद रावण इत्यादि का वध करते हैं। अब युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण सब बैठे हुए हैं और अब वापस रिटर्न टिकट बुक कर रहे हैं, कैसे जाएं? जाना तो है वापस, कैसे जाएं? तो भगवान राम को बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि भरत ने एक प्रतिज्ञा की है कि अगर एक दिन भी भगवान लेट हो, इतना जल्दी आपको जाना है? भगवान राम बोलते हैं, हाँ, तुम्ही लोगों ने तो मुझे नाम दिया है, पतित पावन दीनानाथ। कोई भी जब समस्या में पड़ता है तो मुझे तुरंत जाना पड़ता है। सीता समस्या में थी तो मुझे लंका आना पड़ा, और अभी भरत समस्या में जाने वाला है तो मुझे तुरंत लंका से अयोध्या पहुंचना है। तो हनुमान जी बोलते, ठीक है, आपको हम उठा करके तुरंत ले जाएंगे। तो विभीषण जी बोले, सारी सेवा क्या? रावण ने कुबेर से एक विमान छुड़ा लिया था, पुष्पक विमान। आप इस विमान को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। देखिए, भगवान को हम क्या अर्पित करेंगे, भगवान को हम क्या देंगे? भगवान केवल हमारी विनम्रता को स्वीकार करते हैं। जब भगवान रावण से युद्ध करने वाले थे तो भगवान तो रथ पर नहीं थे, तो किसी ने इंद्र को बोला, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, भगवान राम ऐसे चल रहे हैं, तुमको अपना रथ भेजना चाहिए। रावण, इंद्र बोलता है, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, राम जी हमसे पूछे रथ के बारे में तो हम भेज देंगे। देवताओं ने इंद्र को समझाया, राम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, उनको किसी की आवश्यकता क्या है जो वो मांगेंगे। इंद्र बोलते हैं, क्यों, केवट से नहीं मांगा था क्या? केवट से मांगा था ना, नाव तट पर खड़े होकर के बुला रहे थे बार बार, वो केवट भी नहीं आ रहा था। केवट भी दूर से पहले उसने पूरा MOU साइन करवाया, मैं पास आऊंगा तो पैर धुलाने पड़ेंगे, पैर धुला कर ही नाव में चढ़ाऊंगा। भगवान राम बोलते, ये कौन सी बात है? बोले, हमने सुना है कि अहिल्या पत्थर की थी, आपने स्पर्श किया, नारी बन गई। मेरी नाव अगर नारी बन गई तो एक पत्नी संभालना मुश्किल है, दो को कैसे संभालूंगा, मेरी जीविका तो एक नाव से ही चलती है। पूरा MOU साइन। तो तब तक भगवान राम तट पर खड़े होकर उससे बातचीत कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं और केवट भाव खा रहा है। इंद्र बोले, केवट से तो मांग रहे थे, तो मुझसे रथ क्यों नहीं मांग रहे हैं? देवता लोग इंद्र को समझाते हैं, भैया केवट नाव देकर भी कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार की, पर आपसे अगर भगवान रथ मांगेंगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे, इसलिए भगवान सेवा सबसे स्वीकार नहीं करते। कभी भी ऐसा मौका आए भगवान की सेवा करने का, ये मत सोचना कि मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया। स्वल्प करी नाम आनी हो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। ये दास बनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो कम भाग्यशाली लोग हैं, जो अल्प भाग्यशाली लोग हैं, उनसे भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते।
तो यहां विभीषण विनम्रता से भगवान राम के सामने झुक रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तुरंत वहां जा सकते हैं, लेकिन आप हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, आप ये पुष्पक विमान लीजिए। भगवान राम बोलते हैं इतना बड़ा पुष्पक विमान का मैं क्या करूंगा, तो भगवान को विभीषण बोलते हैं आप अकेले थोड़ी जाएंगे, ये जितने बंदर पंटर सब दिख रहे हैं ये सब आपके साथ जाएंगे। हनुमान जी भी उचकने लगे हम भी जाएंगे, सुग्रीव भी उचकने लगे, चामवन चिल्लाने चिल्लाने लगे उचकने लगे। भगवान राम बोलते हैं तुम सब अभी तो इतना गंभीर युद्ध कर रहे थे, अभी बच्चों जैसे उचक रहे हो, मसल दे कोई अच्छी सी मसाज कर दे। तो मंदराचल पर्वत को, सुमेरी पर्वत इत्यादि को उनके उनकी पीठ पर रखा और वासुकी नाग से देवता और दानव बढ़िया मथनी कर रहे हैं और भगवान को मजा आ रहा है, तो वहां भी राज्य अभिषेक की बात नहीं हुई। फिर वामन अवतार आया, तो वामन अवतार में तो कैसेट ही दूसरी थी, राजा बनना तो दूसरा, उनको तो भिक्षाना सिखाया, तो वामन अवतार में भी राज्य अभिषेक की बात नहीं है। फिर नरसिंह अवतार, वो तो बात ही नहीं है, जिस खंभ से प्रकट हुए उसको ही तोड़ फोड़ दिया, तो पास में कौन जाता राज्य अभिषेक करने। और इतने क्रोधित हिरण्याकश्यप को तो मार ही दिया, उसके बाद भी क्रोध में खुद ही सिंहासन पे बैठ गए, और कोई माला पहनाने वाला नहीं था तो हिरण्यकश्यप की आते ही गले में डाले, इतने क्रोध में कोई पास में नहीं जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए कि आप जाइए, ब्रह्मा जी बोलते हैं हमने ही वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, हम जाएंगे तो सबसे पहले हम ही निपटेंगे। तो एक काम करते हैं माता लक्ष्मी को लेके जाते हैं, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो घर में तो सब डरते हैं, पत्नी की बात तो मानेंगे, तो चलो माता लक्ष्मी के पास चलो। सारे देवता माता लक्ष्मी के पास गए, माता लक्ष्मी से बोला अरे भगवान इतना क्रोध कर रहे हैं, शांति नहीं हो रही है, कोई की बात नहीं सुन रहे हैं, आप थोड़ा चलिए। माता लक्ष्मी बोलते अच्छा ऐसा कर रहे हैं क्या, अभी बताती हूँ, चलो मैं बताऊंगी, ऐसा करते हैं क्या बच्चों के साथ। माता लक्ष्मी तुरंत तैयार होके आई, चम चम करती हुई आई, भगवान ने एक दहाड़ मारी माता लक्ष्मी बाहर। देवता बोले माता क्या हुआ, बोले हमारे वाले नहीं है, हमारे वाले शांति से सोते रहते हैं, शांताकारं भुजगे शयनम्, ये तो इतना दहाड़ रहे हैं चीख रहे हैं, इनके पास हम नहीं जाएंगे। तो नरसिंह अवतार में भी राज्याभिषेक का मौका नहीं मिला। उसके बाद परशुराम रूप में आए, तो आप ब्राह्मण रूप में आए, राज्याभिषेक तो क्या करते, 21 वर्ष क्षत्रियों से ही पृथ्वी को विलीन कर दिया, तो जो राज्याभिषेक कर करा के बैठे थे उनको ही निपटा दिया, तो आपका राज्याभिषेक कैसे करते। परशुराम अवतार भी नहीं हुआ। कृष्ण अवतार में आप आओगे तो बालक ऐसे रूप में आओगे कि नंगे पैर गायों के पीछे भागोगे, तो वहां भी राज्य अभिषेक की बात नहीं। और मथुरा जाने के बाद भी महाराज, तो हम ये सीन मिस नहीं करना चाहते, तो कृपया करके हम सबको इंडिगो फ्लाइट में बिठा करके अयोध्या ले जाएंगे। तो भगवान राम ने बोला ठीक है सभी लोग चलो। भगवान राम बोलते हैं वास्तव में मैं खुद चाहता था कि आप मेरे साथ आए, लेकिन संकोचवश आपको कुछ नहीं बोल रहा था, आप सबने मेरा कितना त्याग किया है, मेरी पत्नी सीता मुझसे कुछ समय के लिए दूर थी, तो मैं जानता हूं कि पत्नी का वियोग क्या होता है, और ये सारे बानर बंदर ये सब अपने घर परिवार सुख सुविधा सब छोड़ करके मेरे साथ यहाँ मरने के लिए आ गए, ऐसा कृतज्ञता मेरे अंदर इनके लिए है, इनसे क्या मांगूंगा, इसीलिए मैं संकोच कर रहा था। हनुमान जी बोलते हैं भगवान आप देते भी है तो आपकी करुणा देते देते भी आप ऐसे देते हैं जैसे कोई कोई कृतज्ञ व्यक्ति, कोई कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति अपना सूद समेत ब्याज समेत कर वापस करता है, तो आपकी करुणा है, आप करुणा कर रहे हैं। भगवान राम बड़ी कृतज्ञता के साथ सबको स्वीकार करते हैं और पुष्प विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। अब भगवान राम पुष्प विमान में बैठ चुके हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा अयोध्या जाने के लिए, तो कल शाम को 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, भगवान राम को अयोध्या पहुंचाएंगे और भगवान राम का एक साथ मिलकर के राज्याभिषेक के दर्शन करेंगे। जय सियावर रामचंद्र की, राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, बताई गौर प्रेमानंदे। अभी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम को बोला था, एक सुंदर भजन हिंदी में है, आप सभी लोग पीछे पीछे दोहराइए। हरे कृष्ण
आप लोग सोच रहे होंगे कि अब घर जाके आपको खाना बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो वो चिंता नहीं है। अभी कीर्तन के बाद आप सबके पढ़ाई प्रसाद एकादशी प्रसाद, आप कीर्तन के बाद पीछे जाकर के प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी चाल द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मैं ये जाने और कि कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल कर गया आकर के संसार में मैंने इसको राग लगाया तुमने मुझको आकर के संसार में मैंने इसको राग लगाया जन्म जन्म की मेरी चादर कैसी राग छुड़ा हे पावन परमेश्वर मेरे मन शर्मा नाम नहीं गाया
परमेश्वर मेरे मने शर्मा तेरा दर दादा और कही ना जाओ मेरी खादर उनकी कैसे Yeah.
हरे कृष्णा हरे